हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश करता हूं। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट वन नेशन वन राशन कार्ड, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, कुछ स्कीम्स हैं जो हमें जान लेनी चाहिए। ओके चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। न्यूज़ में इसीलिए था कि अभी देश भर में एक, अगर आप कह रहे हैं कि अगर एक कंट्री में अगर माइग्रेंट्स भी हैं जैसे भी, तो आप कहीं जैसे आपको कार्ड जो राशन कार्ड आपको मिलता है, राशन कार्ड आपको एलोकेट हुआ, लेकिन आप देश में कहीं भी हों आपके हिस्से का जितना अनाज बनता है वो आपको मिल जाए। अभी ऐसा क्यों नहीं हो पाता, ठीक है, फेयर प्राइस शॉपिंग में क्यों नहीं मिल पाता दोस्तों? अभी इसका इसीलिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहा कि जो अभी हमारे जो कार्ड्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट्स इशू करती हैं, एंड स्टेट गवर्नमेंट्स नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत वो बताती हैं कि आपको कौन सी दुकान पर जाइए, फेयर प्राइस शॉप कहा जाता है उसको, तो आप उस दुकान पर जाइए एंड उस दुकान पर जाके आप एलिजिबल हैं अनाज खरीदने के लिए। तो इसी कारण दो तरह के जो राशन कार्ड्स रहते हैं, एक प्रायोरिटी राशन कार्ड और एक अंत्योदय। दोस्तों जो प्रायोरिटी राशन कार्ड है वो उसमें हर एक परिवार को जो हर सदस्य के हिसाब से 5 किलो अनाज मिलता है पर मंथ, ठीक है, एंड अगर अंत्योदय में है तो आपको 35 किलो पर परिवार मिलता है, ठीक है, तो 35 kg जो पर हाउस होल्ड। थोड़ा सा ये पुअरेस्ट ऑफ पुअर के लिए माना जाता है कि और उनको थोड़ा और एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए स्टेट की तरफ से, सरकार की तरफ से, ठीक है दोस्तों। अब यहां पर अब ये जो टेंशन क्या है, वन नेशन वन राशन कार्ड, ये इंटर स्टेट राशन कार्ड जो पोर्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा कि आप देश में कहीं भी हैं आप अपना कार्ड दिखाएं, एंड कार्ड के साथ में आप कुछ अपना जो बायोमेट्रिक वगैरह देंगे आपको पता लग जाएगा कि आपके आपका हिस्से का कितना अनाज अभी पेंडिंग है। ओके कैसे काम करेगा, तो आपको अभी जो होता क्या है, अभी आपको असाइंड हो जाता है, आपको एक लोकेलिटी में आपके एक फेयर प्राइस शॉप की वहां जाएंगे अनाज मिल जाएगा। राइस जैसे 3 रुपए किलो, वीट 2 रुपए किलो और कोर्स ग्रेन्स 1 रुपया किलो मिलते हैं, एंड ठीक है दोस्तों। अभी न्यू सिस्टम में क्या होगा, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन हो जाएगी आपकी, एंड जो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल्स होंगे वहां जाएंगे आप अपनी जो थंब इंप्रेशन जैसे भी वो प्रोसेस रहेगा, तो उसके साथ जाके आप देखेंगे कि कितना आपका अनाज ड्यू है, ठीक है। तो ये इंट्रा स्टेट, लेट्स से कि जो आपकी लोकेलिटी में जो आपको राशन कार्ड की दुकान पर जहां पर आपको मिलना चाहिए था वहां की बजाय आप कहीं और भी जाकर अपना अब अनाज ले सकते हैं, ठीक है। इंट्रा स्टेट, स्टेट के भीतर भी आपको ये पोर्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, एंड स्टेट के बाहर भी, लेट्स से आपने स्टेट छोड़कर किसी और स्टेट में चले गए वहां पर भी आपको डायरेक्टली, क्योंकि ये एक सीमलेस एक सिस्टम बनाने की ट्राई हो रही है, जिसको क्या जैसे अभी क्या बनाने की ट्राई हो रही है, जो इंटर स्टेट जो ऑपरेटेबिलिटी होगी वो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पीडीएस, ठीक है, IMPDS के नाम से, और एक अन्न वितरण पोर्टल, ठीक है। अन्न वितरण पोर्टल दोस्तों क्या है, ये जो जैसे मान लीजिए कि आपने आप रहते हैं कि एक मान लीजिए आप रहते हैं मुंबई में, लेकिन आपका बाकी परिवार लेट्स से रहता है लखनऊ में, ठीक है, एंड आपके नाम का जो ये कार्ड इशूड है, अन्न वितरण पोर्टल क्या करेगा, लेट्स से आधा परिवार आपका लखनऊ में है आधा आपका मुंबई में है, तो जैसे जितना आपने लखनऊ में कंज्यूम कर लिया बाकी बचा हुआ है आप मुंबई में कंज्यूम कर सकते हैं। आपको अपना कार्ड दिखाना है जो 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 अब जो सेंट्रल सिस्टम में जो अन्न वितरण पोर्टल के हिसाब से आपको बताएगा कि आपका कितना पेंडिंग कहाँ पर है, ठीक है। तो इसमें टेंशन नहीं अब रहेगी कि आपको सभी लोगों को एक ही जगह पर होना जरूरी है या एक ही जगह पर कार्ड पर ही आपको मिलेगा, जो आपकी लोकेलिटी में जो फेयर प्राइस शॉप थी वहीं से मिलेगा, अब ये टेंशन खत्म हो जाएगी। एंड माइग्रेंट्स की जो ग्रेन्स की प्रॉब्लम है ये बहुत ज्यादा स्तर पर सॉल्व हो सकती है, ठीक है दोस्तों। तो ये अन्न वितरण पोर्टल, IMPDS, वन नेशन वन राशन कार्ड, कौन राशन कार्ड इशू करता है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है ना, छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जानने चाहिए हमसे, ये प्री में पूछे जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। बाकी कुछ अनाउंसमेंट्स 2021 के कोर्सेज के लिए, आप हमारे 2021 के कोर्स की टाइमलाइन समझ लेंगे प्री और मेंस की, काफ़ी आसानी हो जाएगी। 18 मई को हमने ओरिएंटेशन लेक्चर्स दिए, यूट्यूब पर अवेलेबल, देन 25 मई से ही हमारा कोर्स शुरू हो गया, एंड देन उसके बाद हम आगे बढ़ते जाएंगे, थोड़ा सा तैयारी हो जाएगी तो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी, और आगे बढ़ेंगे थोड़ा नॉलेज कंटेंट आएगा तो मेंस की आंसर राइटिंग शुरू हो जाएगी, एंड हम उसके बाद सारा मेंस प्री का कंटेंट खत्म करके बिफोर वी गो फॉर प्री हम 22 फरवरी 2021 तक हम अपना क्रैश कोर्स शुरू कर देंगे जो हमारे अगले साल के प्री का है, ठीक है दोस्तों। तो ये सिंपल सा हमारे बहुत से जो हमारे जो जो प्लान चल रहे हैं, PCM बैच हमारा सबसे ही ज़्यादा ऑल इनकम्पसिंग बैच जो आपने अभी देखा पीछे, ये सभी PCM बैच की ही टाइमलाइन थी, ये इंस्टॉलमेंट्स में भी अवेलेबल है। SCA का कोर्स एंड ऑप्शनल में पॉल साइंस भी इस बार हम अवेलेबल करा चुके हैं, सोशियोलॉजी पहले भी था, ठीक है दोस्तों। कॉम्बिनेशन में जब आप इसको खरीदते हैं तो थोड़ा आपको और सस्ता पड़ता है क्योंकि चीज़ें इकट्ठी मिली हुई हैं, ठीक है दोस्तों। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी है और हमारी आप वेबसाइट पर जाइए, ठीक है, और वहाँ पर sleepyclasses.com टारगेट 2021 पोर्टल है, वहाँ जाके आप परचेज कर सकते हैं दोस्तों। हम ये एंड टू एंड हमारा ये सबसे ही होलिस्टिक प्रोग्राम रहता है पूरे साल का, जहाँ पर हम पूरा का पूरा कोर्स कवर करते हैं अलॉन्ग विद टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स, अपडेशंस एटसेट्रा, ठीक है दोस्तों। अगर आप 2020 टारगेट कर रहे हैं तो हमारी टेस्ट सीरीज और हमारा क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है, जहाँ पर हमने जो जो सब्जेक्ट वाइज भी चीज़ें कवर की हुई हैं, एंड ये बिल्कुल थॉरली प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से है। ऑलराइट दोस्तों, बाकी प्री क्योर में करंट अफेयर्स करते हैं हम, प्रीमिक्स में हम हर शाम जो सवाल सॉल्व करते हैं, पूरा GSP जैसे हमारे प्लेलिस्ट में कवर है, जो कवर्ड है,
लेकिन हम अपने पेड कोर्सेज में उसको और ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, साथ में टेस्ट डाल रहे हैं, साथ में मेंस आंसर राइटिंग है, बहुत कुछ है। तो इसीलिए हमारी जो पेड कोर्सेज थोड़े और हॉलिस्टिक हो जाते हैं और ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी पीडीएफ हमारी वेबसाइट पर, टेलीग्राम चैनल पर रेगुलरली शेयर करते रहते हैं। बस यही है, छोटी छोटी चीजें जानते रहो, दो मिनट सीरीज में ऐसे वन नेशन वन राशन कार्ड टाइप वीजा कवर करते रहो, ऐसे ही एग्जाम क्रैक होगा। ऑलराइट दोस्तों, एंड कमेंट करते रहो, बताते रहो कि क्या कंटेंट अच्छा लग रहा है क्या नहीं। ठीक है, चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।